नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चुग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई पे लर्निंग पे। जैसे कि आज आप ये लिख रहे हैं, देख रहे हैं बोर्ड पे लिखी हुई दो इक्वेशंस देख रहे हैं, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं समीकरण। फिर से बता रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो को पूर्ण देखे। ये आपकी मैंने प्रश्नावली तीसरी से ये दोनों समीकरण उठाई हैं, जिसको अपने यूनिट थर्ड बोलते हैं, उससे समीकरण उठाई है। और इसके अंदर मैं आज आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सिखाऊंगा, मीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आज आपको सिखाने का पूरा मेरा क्या रहेगा बच्चों, प्रयास रहेगा। उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर दोनों इस इक्वेशन को दोनों तरीके से क्या करेंगे देखेंगे। देखिए, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको इक्वेशन वन दे देता हूं और इसको इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले अपने इसको प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, ठीक है। इस समीकरण को अगले स्लाइड पे ले चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये देख, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अपने प्रतिस्थापन, जिसको अपने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें कुछ नहीं करना होता। दो समीकरण देख रही है, जो आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि हाँ ये समीकरण मेरी फेवरेट है, उस समीकरण को क्या करिए उठाइए, उस समीकरण को क्या करिए उठाइए और क्या कर दीजिए, उससे क्या कर लीजिए x का मान निकाल लीजिए, उससे क्या कर लीजिए बच्चों x का मान निकाल लीजिए। समझ गए मेरी बात, समझे या नहीं समझे? क्या कर लिया मैंने, इससे x का मान निकाल लिया। अब जब मैंने x का मान इसमें से निकाल लिया तो x का मान किसमें डाल दूंगा मैं, x का मान किसमें डाल दूंगा मैं, दूसरी समीकरण में। किसमें? दूसरी समीकरण में। देखिए दूसरी समीकरण क्या है, 9x माइनस 2y बराबर में 7, 9 5y प्लस 4 बटा में 3 प्लस सॉरी माइनस 2y बराबर में 7। तो मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू x की कहां रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड में। हिंदी में इसको समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाल के मैंने कहां रख दी, सेकंड इक्वेशन में रख दी। हां जी, रख दी सेकंड इक्वेशन में रख दी, कोई दिक्कत। अब सेकंड इक्वेशन में रख दी तो सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, अपने सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 क्या करेगा, 9 को यहां से कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 5y प्लस 4 माइनस 2y इक्वल्स टू बी 7, क्या आया 15y प्लस 12 माइनस 2y इक्वल्स टू बी 7, क्या आ गया 13y इक्वल्स टू बी, क्या वहां जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 5y, माइनस का 5y, तो y कितना आ गया बच्चों, माइनस का 5/13। y कितना आ गया, माइनस का 5/13। कुछ नहीं किया आपने, सिंपली पहले क्या करी, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट समीकरण जिसको बोलते हैं, उससे मैंने क्या करा x का मान x की वैल्यू निकाली, और सेकंड वाले समीकरण या इक्वेशन जो भी आपने बोलना है उसमें मैंने क्या करा इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, डाल दी। इससे क्या आ गया मेरे पास, y का मान आ गया। अब जब y का मान आ गया तो y का मान उठा के क्या कर दोगे, x में रख दोगे तो किसका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, x बराबर 5 इंटू माइनस 5/13 प्लस 4 अपॉन 3, तो क्या आएगा देखिए, हाँ जी क्या आएगा देखिए, माइनस 25/13 प्लस 4/3, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 13 4 कितना होता है 52, 13 4 कितना होता है 52 अपॉन
39, कितना बचा? 27, कितना बचा? 27 अपॉन 39, काट दीजिए 3 के टेबल से, 9 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा? 13 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/13। कुछ नहीं करा इस पूरे इक्वेशंस के अंदर मैंने, पूरे बोर्ड पे आपको इसको सेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले ये अपने पास पार्ट फर्स्ट है, फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया, इसके अंदर से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू जब मैंने इसके अंदर से निकाल ली तो मैंने क्या करा, इसको दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दी और उससे मेरे पास क्या आया, y की वैल्यू आ गई। यहां पे लग से भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए x और y की वैल्यू। y बराबर -5/13 एंड x बराबर 9/13। ये क्या हुआ इससे, ये अपने जो सीखी इसको बोलते हैं अपने प्रतिस्थापन, या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो जो आपको पसंद हो, प्रतिस्थापन या किसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हिंदी मीडियम वाले इसको प्रतिस्थापन बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदी में चल रही है इंग्लिश में वीडियो चल रही है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में, मैथ में कुछ नहीं होता। मैथ में सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी होती है कि क्वेश्चन हल कैसे करेंगे। अगर आप आरबीएसई और सीबीएसई से देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान में या यहाँ पे कहीं आसपास से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कि पेपर किस में आता है, बायलैंग्वल में आता है। किस में आता है? बायलैंग्वल में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आता है। आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। हिंदी में याद रहे तो हिंदी का प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर दे देना, इंग्लिश में याद रहे तो इंग्लिश का प्रश्न पढ़ के उत्तर दे देना। चलिए अगली में चलेंगे, अगले में, अगली स्लाइड खोल ली मैंने। अब अपने को क्या करना है, विलोपन विधि, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, वो चीज अपने को देखनी है। देखिए सबसे पहले इक्वेशन को सेम ऐसे कैसा लिख लेना पेपर के अंदर, अब क्या करना है आपने इसमें, जो आपको पसंद हो, आपको आपका x पसंद है तो आप अपने x को बराबर कर लेना, अगर आपको y पसंद है तो आप अपना y बराबर कर लेना। मतलब कोई एक वैल्यू दोनों इक्वेशन दोनों समीकरण में आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर मींस इक्वल करनी पड़ेगी। मैं इस इक्वेशन में पहली जो इक्वेशन है जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका आंसर यहां लिख रहा हूं। क्या आया? 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। क्या आया? 9x माइनस 2y इक्वल्स टू बी 7। देखिए मैंने क्या कर लिया, मेरे को x पसंद आया तो मैंने क्या कर लिया, x को बराबर कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, साइन चेंज करने, माइनस प्लस माइनस, अगर साइन बराबर हो। देखो यहां पे दोनों प्लस के थे, अगर y करते हो दोनों माइनस के थे, अगर एक साइन प्लस का और एक माइनस का दिया हुआ इक्वेशन के अंदर तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं मैं कोई भी इक्वेशन, 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू बी 7। तो देखिए क्या हुआ, दोनों में क्या दे रखा है, साइन अलग अलग दे रखे, देखो प्लस का और माइनस का, फिर साइन चेंज मत करना इस विलोपन विधि के अंदर, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और यहां पे 6x बराबर 12, x बराबर 2, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर कितना आ गया, 2। मतलब ये एक रैंडम सी इक्वेशन ली है। देखो अब यहां पे क्या हुआ, मैंने साइन चेंज किया तो 9x से 9x कट गया, माइनस का 15y
और प्लस का 2y कितना आया, माइनस का 13y, और माइनस का 7 कितना आया, प्लस का 5, तो y कितना आ गया, माइनस 5/13, y कितना आ गया, माइनस 5/13। किसी में भी उठा के पुट कर दीजिए y को, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, सेकंड समीकरण में पुट कर रहा हूं, ठीक है। देखना अगले स्लाइड पे आ गए, अपने ध्यान रखना अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। क्या दे रखा है आपको, 7, और वहां पे क्या आया था आपके पास, -5/13, 9x+10/13 = 7, देन 9x = 7 - 10/13, 13 7 जा कितना होगा, बोलिए 13 7 जा कितना होगा, नहीं पता तो करके देख लीजिए कितना आया, 91, कितना आया 91, तो 9x = 91 - 10/13 कितना आया, 9x = 81/13, 81 9 से कट जाएगा, तो x = 9/13। देखिए जिसको कैलकुलेशन समझ नहीं आई वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आया था अपने पास 9x = 81/13, तो 9x = 81/13 × 9, तो x = 9/13। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताइए। तो अपने इसको क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपने बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और अपने इसको एलिमिनेशन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, उससे भी क्या किया, हल किया। तो आपको इस समीकरण से यह पता लग गया कि किस प्रकार से क्या करना है, इसको हल करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन में क्या करना है, x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में डालना है, और जो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड है उसमें क्या करना है, संख्याओं को बराबर करके एलिमिनेट कर देना है। तो चलिए इसी बात पर मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।